जो आवाम की मायूसी है उसका तदारुक कैसे होगा? 20 साल से ये मसला अगर बात की जाए, दादू का इलाका है काचू और तहसील जूही में, तो वहाँ से 20 साल से आवाम को पीने का पानी ही मुयसर नहीं। पहली बात तो ये कि बिल्ली के ख्वाब में छिछड़े हैं ये, पीपुल्स पार्टी को ख़त्म करने का जो ख्वाब देख रहे हैं लोग, उनको इंशाल्लाह मायूसी नसीब होगी। मैं आपको बता रहा हूँ कि पानी का इशू सिर्फ दादू का या कराची का नहीं है, लाड़काना का नहीं है, ये सारे पाकिस्तान का इशू है। यहाँ पर हमने 2008 में यहाँ की अर्बन, दादू की अर्बन वाटर सप्लाई स्कीम दी थी जो 50% बनी, अभी तक 50% कंप्लीट नहीं हो सकी। पिछले 5 साल में हमने वो दी थी 2008 में। ये तो ज़रूर है कि वो पिछले हमारे जो ये आखिरी 2013 से 18 तक का जो अरसा था, इसमें इसकी नाअहली थी, उसकी तहकीकात ज़रूर होनी चाहिए। लेकिन हमने बड़ी कोशिश की, मेरा बेटा एमपीए था, वो दर दर की ठोकरें उन्होंने खाई, बस कहते रहे कि इसको कंप्लीट करा दें, तो बड़ी मुश्किल से, वो भी बिलावल भुट्टो साहब ने मेहरबानी की, वो 5 करोड़ रुपया उन्होंने दिया, तब जाके उसकी वो हमारी स्कीम आगे बढ़ी। ड्रेनेज की भी यही हाल था, ड्रेनेज भी 2008 में हमने दी थी, तो उसमें अभी तक वो कंप्लीट नहीं हो सकी, वो भी कोई 70% हुई है। लेकिन ये बिल्कुल सही है, नाअहली बिल्कुल है, लेकिन मैं समझता हूँ उसमें ब्यूरोक्रेसी का बहुत बड़ा अमल दखल है, और दूसरा सिस्टम बेकार है। रिलीजेस जो हैं, यहाँ से स्कीम अप्रूव होती है, फिर पीएनडी वाले लिखते हैं फाइनेंस को, फाइनेंस वाले वो वहाँ पर पता नहीं क्या सिलसिला है, कोई कहता है कि वो कमीशन लेके फिर पैसे रिलीज करते हैं, ये करप्शन है बिल्कुल, उसमें कोई शुबा नहीं है, उसमें दो राय हो ही नहीं सकती।